एक तरफ से रीडिंग देगा, दूसरी तरफ से देगा या नहीं देगा? देगा ही। एक सिरे का प्लस होता है, एक सिरे का माइनस होता है। तो प्लस के सिरे से वैल्यू देगा और माइनस के सिरे से कोई वैल्यू नहीं देगा। आपस में बीप करेगा, आपस में बीप करेगा तो खराब होगा। आपस में बीप करेगा ग्राउंड से बीप करेगा तो पैसा देगा। ग्राउंड से एक साइड से वैल्यू देगा और एक साइड से बीप करेगा। आदेश जी, की टेस्टिंग क्या होगी, उसको पहचान बताइए, करके बताइए। पहले पहचान बताइए पीसीबी में। कैपेसिटर इसमें एक सिरा प्लस होगा। कैपेसिटर पूछ रही हूँ, पहचान बताइए। प्रेमचंद जी आप बताइए। नहीं बोल के, नहीं बोल के बताइए। कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा कैपेसिटर है ये? नॉन पोलर। नॉन पोलर टेस्टिंग क्या होगी? प्लस और माइनस अलग अलग होगा। टेस्टिंग क्या होगी आपकी नॉन पोलर? यहाँ पर रिपीट करेगा। सही टेस्टिंग सही है, ग्राउंड में टेस्टिंग करके दिखाइए, उसमें मल्टीमीटर पे रीडिंग शो करवाइए। यहाँ पर से वैल्यू देगा दोनों प्रॉप से चेक करिए। पहले में लगा हुआ होगा तो एक साइड से वैल्यू और दूसरे साइड से बीप करेगा तो आपका पैलर में लगा हुआ होगा। अनिल जी क्वाइल की टेस्टिंग क्या होगी और पहचान बताइए। ब्लैक ही अच्छे हो गए तो मतलब पीसीबी में बताइए। ये सेंचुरी तो कम था, ब्लैक वाला कम था ना, पूरी क्या होगी लेकिन 7.5 के अच्छा रखता है, रेटिंग आएगी दूसरे तरफ नहीं जाएगी। आकर नहीं 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 दोनों तरफ से भी आएगी और हमेशा सीरीज पर ही लगा हुआ होगा। कॉइल दो प्रकार का होता है, एक आपकी बूस्ट कॉइल होती है और एक आपकी नॉर्मल कॉइल। दोनों तरफ सिल्वर होता है, वही तो नहीं दिखता है, पिन्ने होती है उसकी ऊपर से, साइड में होती है ऊपर नहीं पिन्ने होती है। ये आपके फ्यूज हैं, फ्यूज चार प्रकार के होते हैं। फिर से क्लास स्टार्ट करूँ, इतना याद रखिएगा।
मैंने तो चार दिन ऐसे आप बोले थे एक ही होता है इसमें तीन चार एरिया से लगे हाँ तो लगे होते हमने तो बोला था मैंने कि पहले आप किए थे एक दो रहते और फिर तीन चार एरिया लगे जीरो कोटिंग जीरो कोटिंग भी होता है जो चालू से आईसी निकाल के हम लोगों को टेस्ट करने को बोलते हैं आए एक केवल बुलाया नहीं क्या निकाल रही है इसकी आईसी निकाल के फिर से रिवॉल्व करेंगे चालू होता है चालू है वैसे इसमें केवल चालू है बैटरी ही नहीं टच भी खराब है तो इसको चेक कर लो अरे कैसे वो वाला है बहुत प्रॉब्लम है खर आएगा आपकी जगह से इसकी स्क्रीन सही है इतना चेक कर ली आपने चेक कर ली हाँ पहले का चेक करा था खोला था वो हो गई साइड पे इसमें मिल गया जिससे पूछेंगे वही बोलेगा पढ़ा सबको रहे हैं किशोर जी आपका तभी से क्या काम करता है किसी जी ने उसको फिल्टर करके भेजना है किसको सिग्नल अतुल जी माइक की टेस्टिंग मीटर में बताइए नॉर्मली बोलते हुए टेस्टिंग अभी 20 फोन पे और वैल्यू क्या रहेगी वैल्यू रहेगा 18 से 18 28 0.9 होगा 7 क्या होगी माइक की टेस्टिंग 0.0 0.90 0.90 और माइक की वैल्यू को 20 किलो ओम पे सेट कर दीजिए वैल्यू आपकी 0.90 से 1.50 रहती है स्पीकर क्या बता रहे थे 8 से 12 रहे वो मल्टीमीटर